ये वीडियो डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, ज्यादा सोचने की आदत, दिमागी बीमारियां, चिंताओं को दूर करने की दिशा में एक विशाल कदम है, जिसमें मेरा उद्देश्य आपको बिना कारण मोटिवेट करने का नहीं है, दिलासा देने का नहीं है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब ठीक हो जाएगा, परमेश्वर सब ठीक कर देगा। ये सब पागल बनाने के काम है, क्योंकि अगर जहर में मीठा मिला दिया जाए तो जहर जहर ही रहती है, बस मीठी हो जाती है। मोटिवेशन से कुछ समय के लिए हौसला जरूर मिलता है, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन का नशा उतरता है, आप अपने आप को फिर से अपनी उन्हीं चिंताओं में अपने आप को घिरा हुआ पाते हो। लेकिन मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, बल्कि आपको एक बहुत ही अद्भुत वैज्ञानिक तरीका बताऊंगा, जिससे आपको अपनी सोच शीशे की तरह साफ दिखाई देगी जब आपको डिप्रेशन या एंजाइटी या जीवन में कभी निराशा होगी। जब आप खुद इतने काबिल बन जाओगे तो आपको किसी दूसरे की मोटिवेशन की जरूरत कभी नहीं महसूस होगी। अगर आप अपने जीवन की अनेक समस्याओं परेशानियों में से इसे एक मानते हो और जरूरी मानते हो, तो इस कला को ध्यान से समझ लेना, ये आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर चिंता होने लगती है, पता नहीं कल क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, या किसी ने पहले कोई गलती की है बीते हुए समय में, उन बातों को याद करके गिल्ट पैदा होना, परेशान होते रहना, मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मैं अपनी पत्नी या अपने पति को दिल से प्यार करता हूँ, कहीं वो किसी और से न कर बैठे, कहीं मेरा कोई अपना मेरी जिंदगी से न चला जाए, ऐसी ही ढेरों चिंताएं हमारे दिन की शुरुआत से ही शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये आपके दिमाग का सिर्फ एक भ्रम है, और आप एक भ्रम को किसी दूसरे भ्रम यानी मोटिवेशन के जरिए इसे ठीक कर रहे हो, इसलिए आप इससे निकल नहीं पा रहे हो। ये एक भ्रम है, क्योंकि जब भी आपको चिंता होने लगती है, डिप्रेशन एंजाइटी होती है, तो आप प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान से निकलकर या तो फ्यूचर की कल्पना करते हो, या तो अपने बीते हुए समय की किसी बात को लेकर कल्पना करते हो। ये भ्रम क्यों है, इसका मैं रूट कॉज ओरिजिन, ये दुख निराशा पैदा ही क्यों होती है, इसकी जड़ आपको बताने लगा हूं। जब आपको चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, तो आपके दिमाग के अंदर क्या होता है, इससे आप बिल्कुल अनजान हो, इसलिए आप इससे कभी छुटकारा नहीं पा सके आज तक। मैं आपको इसे एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत जगह की तस्वीर आपके घर में लगी है, जिसे देखकर आप सच मान रहे हो कि ये असल दुनिया है, जबकि वह तस्वीर असल दुनिया की एक नकल है, जिसे रंगों से, आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। असलियत आपको घर के बाहर निकलने पर उस जगह पे जाकर पता चलेगी। ठीक इसी उदाहरण की तरह, जब आपको बहुत दुख, परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन होता है कि कल क्या होगा, तो वो जो कल घटित होने वाला है, उसकी एक नकली तस्वीर आपके दिमाग में आज ही घटित हो जाती है, या बीते हुए समय में अगर कुछ हुआ है, उसकी नकली तस्वीर आप आज भी अपने दिमाग में देख पा रहे हो, तो आपको चिंता हो रही है। ये भ्रम जो आपको होता है, ये इतना दिलो दिमाग से होता है, जिसका आपके लिए ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि वह दिमाग में बनी एक असल दुनिया की नकल है, जेरोक्स कॉपी है। ये ठीक वैसा ही है जैसे खाने की दिमाग में कल्पना करना और मुंह में पानी का आ जाना। खाने की कल्पना करना मतलब असली खाने की नकल दिमाग में करना। कल क्या होगा, उसकी एक नकली तस्वीर आज ही दिमाग में बना लेना और चिंता करना, ये एक भ्रम है, एक वहम है। असली खाना, नकली खाने की कल्पना और मुंह में पानी का आना। कल क्या होगा, इसकी आपको कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो तो कल होगा, आप उसे कल देखोगे, लेकिन उसकी नकल आज ही बना लेना, फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, ढेरों बीमारियों का आना। अगर आपको बीमारी की जड़ पता लग जाए,
फिर बार बार मोटिवेशन जैसी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये देखने की कला आती है तो डिप्रेशन एक भ्रम है, एक वहम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आगे जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।